क्लास 12th हम लोग का जो लेसन चल रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी करंट कैरिंग लूप को रखते हैं तो उस पर क्या बल आघूर्ण कार्य करता है ना। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं, विद्युत द्विध्रुव होते हैं, ऐसे ही हमारे चुंबकीय द्विध्रुव भी होते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में बच्चों क्या होता है, आप दो आवेश लेते हो विपरीत प्रकार के और उनको अल्प दूरी पर रखते हो, तो ये जो सिस्टम बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव। ठीक इसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव में, मैग्नेटिक डायपोल मीन्स चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव में हम दो विजाती आवेशों को मतलब विपरीत निचर वाले आवेशों को अल्प दूरी पर रखते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक और इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है दोनों की कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जब हम सेम पोल स्ट्रेंथ वाले दो विजाती ध्रुवों को एक दूसरे से छोटी दूरी पर रखते हैं तो इस तरीके से जो सिस्टम बनता है इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। ठीक जैसे कि अब तुम्हारा इलेक्ट्रिकल डायपोल में जो तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था वो किसके बराबर था, एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर था। इसी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, एक पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव क्या आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव के एक पोल की या एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और इनके बीच की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमने माना कि जो नॉर्थ पोल है इसकी जो ध्रुव सामर्थ्य है वो पॉजिटिव m है और जो साउथ पोल है इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो माइनस m है, तो इसमें जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा, m इंटू 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल के लिए हम जो स्ट्रेंथ लेके चलते हैं पोल स्ट्रेंथ वो पॉजिटिव लेके चलते हैं और साउथ पोल के लिए जो पोल स्ट्रेंथ होती है नेगेटिव लेके चलते हैं, दोनों की पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है तो ये भी m हो गया और ये भी m हो गया। ठीक अभी पोल स्ट्रेंथ होती क्या है, ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है कि हर चुंबक के अंदर, हर चुंबक का जो ध्रुव है बच्चों उसके अंदर क्या होती है, वह शक्ति जिससे वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी चुंबक के ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति होती है जिससे वो अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक तो स्मॉल m हमारी क्या है, पोल स्ट्रेंथ है और इसकी जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो शक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। अब देखो इसमें मैग्नेटिक डायपोल और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सारी चीज़ें सेम है, दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों कि इसमें जो आवेश है हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, इनका अलग अलग एग्जिस्टेंस है ना, लेकिन किसी चुंबक के पोलों को अलग अलग नहीं किया सकता। अगर आप इसको तोड़ दोगे तो ये वाला सिरा फिर से नॉर्थ बन जाएगा, ये वाला फिर से साउथ बन जाएगा। अगर आप तोड़ कर इसके छोटे छोटे पार्ट्स भी करते जाओगे तब भी क्या होगा, वो एक पूर्ण चुंबक बन जाएगी। ठीक है तो जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे तुम्हारा लूप है तो लूप में भी तुम्हारा नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, चुंबक में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तुम्हारी जो करंट कैरिंग कॉयल होती है उसके भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, जो धारावाहिक प्रणालिका होती है उसके भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, तो ये सारे हमारे क्या है, मैग्नेटिक डायपोल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है अब इसके बाद ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कि जो करंट कैरिंग लूप है वो कैसे, जिसे ये लूप है ये कैसे चुंबकीय द्विध्रुव की तरह या चुंबक की तरह व्यवहार करता है। देखो बच्चों क्या होता है कि जब आप इसमें अगर जब करंट बहती है तो करंट बहने के कारण क्या होता है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो जब आप इसे फ्रीली सस्पेंड करते हो तो हमेशा ये एक फिक्स डायरेक्शन में जाकर रुकता है। जैसे कि चुंबक को हम अगर फ्रीली सस्पेंड करें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकती है ना, उसी तरीके से ये लूप भी क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर एक फिक्स डायरेक्शन में जाकर रुकता है। ठीक और जब दो लूपों को पास पास लाया जाता है तो कभी उनमें आकर्षण होता है कभी प्रतिकर्षण होता है, ये डिपेंड करता है कि उन लूपों में करंट किस डायरेक्शन में बह रही है। तो एक तरीके से जो करंट कैरिंग लूप है ये आपके एक चुंबक की तरह, एक बार मैग्नेट की तरह या कहो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करने लगते हैं। अब जैसे ये लूप है, इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रही है, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखो तो नॉर्थ, नॉर्थ का ये सिरा ऊपर करा, ये सिरा नीचे किया,
तो इस लूप का जो पास वाला सिरा होगा वो तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जो दूर वाला सिरा होगा वो हमारा साउथ पोल बन जाएगा। तो इस तरीके से इस लूप के हमारे दो पोल्स हो गए नॉर्थ और साउथ। इसी प्रकार से अगर किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज बहती है, क्लॉकवाइज मतलब साउथ में क्लॉकवाइज, तो इसका जो पास वाला सिरा है वो साउथ पोल बन जाएगा, जो दूर वाला सिरा होगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके करंट कैरिंग लूप होते हैं, अगर आप उनको फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो एक बार मैग्नेट की तरह या एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा आता है कि ये हमने एक बार मैग्नेट ली है, जब इस बार मैग्नेट को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो और इसकी जो अक्ष है, बार मैग्नेट की जो अक्ष है धन चुंबकीय अक्ष, वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रही है, तो क्या होता है? देखो, हर बार इस बार मैग्नेट का जो हर एक परमाणु है वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो जब किसी लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अभी आप लोगों ने देखा कि जब किसी लूप को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है और वो उस लूप को घुमाकर चुंबकीय अक्ष के समांतर अलाइन करने का प्रयास करता है, चुंबकीय अक्ष की दिशा में ही करने का प्रयास करता है। अगर आपने उसको समांतर नहीं रखा है, किसी एंगल पर रखा है, तो घुमाकर क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। ये तो एक लूप के लिए, और हमने माना कि जो बार मैग्नेट है इसका जो हर परमाणु, प्रत्येक परमाणु एक छोटे लूप की तरह काम कर रहा है। लूप यानी कि वो क्या होगा, तुम्हारा चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। ठीक है, तो ये सारे लूप क्या करेंगे, ये सारे लूप मिलकर इस बार मैग्नेट को क्या करेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्योंकि तो हर लूप पर क्या है, देखो एक पर ऊपर की तरफ बल युग्म एक बल है, नीचे की तरफ एक बल है, हर लूप पर एक बल युग्म काम कर रहा है, वो घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो हमने माना कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो ए है, और उसमें अगर आई करंट प्रवाहित हो रही है तो जो आप जब आप इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो उस पर जो बलयुग्म कार्य करेगा उसका आघूर्ण, एक लूप पर काम करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने जो आपको भेजे थे उसमें आप लोगों ने याद भी किया होगा, टाउ इज इक्वल टू होता है आई ए बी साइन थीटा, एक लूप पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक, अब इसमें कई सारे हमने माना, मान लो एन फेरे हैं तो एन पर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले लेसन में कि इलेक्ट्रिक डायपोल को भी जब हम किसी विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव को भी जब किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं थीटा एंगल पर, तो उस पर भी एक बलयुग्म लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये दोनों बच्चों देखो लगभग मिलते जुलते हैं, कैसे, ये भी बलयुग्म है, ये भी बलयुग्म है, ये तुम्हारा चुंबकीय अक्ष और जो तुम्हारी बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कौन है, ये बार मैग्नेट की अक्ष है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच का कौन है, इसमें भी क्या होता है, ये अगर तुम्हारा यहाँ पर अगर माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू होता है तो आप क्या करते हो, इसकी अक्ष के बीच बना कौन यहाँ पर थीटा लेते हो, है ना, कौन भी सेम है। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र होगा, तो अगर ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, है ना। तो इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ठीक, तो यहाँ पर एम बराबर क्या हो जाएगा, एन आई इंटू ए, उसे हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ये तो बहुत सारे लूपों के लिए m इज इक्वल टू एन आई इंटू ए फॉर्मूला हमारा है, m इज इक्वल टू एन आई इंटू ए, और अगर एक लूप होगा तो उसमें n की वैल्यू 1 रख देना तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये एक लूप पर कार्य करने वाला आपका चुंबकीय आघूर्ण हो गया। अब इस चुंबकीय, ये जो चुंबकीय आघूर्ण है कैसी राशि है हमारी, ये एक सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा को हम किससे निकाल सकते हैं, दाएँ हाथ के नियम से। दाएँ हाथ का नियम क्या कहता है, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस तरीके से फैलाएं कि उंगलियां करंट की दिशा को बताएं, मान लो अगर करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज है जैसे कि इस फिगर में है, तो हमने क्या किया, उंगलियों को इस तरीके से फैलाया, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय आघूर्ण, अंगूठा हमारा इस डायरेक्शन में है, ये हमारी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को बताएगा। इस पिक्चर में एंटी क्लॉकवाइज है तो मैंने उंगलियों को इस तरीके से मोड़ा
तो ये मेरी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, तो ये हमारे चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हो गई। तो ये हमारा दाएं हाथ का नियम हो गया। तो इसमें आपका जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ इस तरीके से होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इक्वेशन आपकी वन थी टॉय इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एम से। फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, टॉय इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर, ये हो गया हमारा टॉय इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब टॉय इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा और पी साइन दोनों सेम, लेकिन ये क्या है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण जब आप इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते है ना, चुंबकीय द्विध्रुव कार्य करने वाला बल आघूर्ण जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, और ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव का कार्य करने वाला बल आघूर्ण जब आप उसे किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। ठीक, अब चुंबकीय आघूर्ण एम की परिभाषा क्या होगी बच्चों, अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा, टॉय इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। इसमें अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, हमने जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया। ठीक, जब आप इसको लंबवत रखते हो तो उस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो लंबवत रखने पर जब यहाँ 90 रखोगे तो टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, ये एम बी के बराबर हो जाएगा। उस समय जो बलिंग आघूर्ण होगा इस पर वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, जब बी की वैल्यू यहाँ 1 रखा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हमारा एकांक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी विद्युत चुंबक को लंबवत रखते हैं तो उस समय उस पर कार्य करने वाले बलिंग का आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो। यहाँ बी की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो टॉ मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक के बराबर हो जाएगी। तो यहीं से परिभाषा बनती है चुंबकीय आघूर्ण की। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबक को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर कार्य करता है। ठीक, किसी चुंबक का चुंबकीय ध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कह सकते हो, या चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण भी कह सकते हो। ठीक, किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म आघूर्ण के मैक्सिमम मान के बराबर होता है जो उस चुंबक पर एकांक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा के लंबवत रखने पर कार्य करता है। अब मात्रक क्या होगा इसका बच्चों, फॉर्मूला हमारा क्या था, m इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई की वैल्यू होती है एम्पियर, आई का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो m इज इक्वल टू जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसकी भी वहाँ भी आप लोग निकाल सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। हमने मान लिया ये नाभिक है, इसके चारों ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ऑर्बिटल कक्षा में सर्कल पाथ पे चक्कर लगाते हमने मान ली त्रिज्या आर है, और इसका जो वेग है ये हम स्पर्श रेखा के अनुसार लेंगे, हमने मान लिया वी। ठीक, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमारा गति कर रहा है, जब आवेश गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो जब आवेश हमारा गति करता है धारा का प्रभाव होता है, धारा हमारी क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से, क्यू की वैल्यू या E के बराबर, तो ये E अपॉन टी हो जाएगा। ठीक, अब T का मान कैसे निकालेंगे, T क्या है यहाँ पर, एक चक्कर में लगा समय, और एक चक्कर में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चार। दूरी हमारी क्या होगी, ये इस परिधि के बराबर दूरी कवर करेगा, तो टू पाई आर अपॉन वी। ठीक, अब इस t की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा e अपॉन टू पाई आर इंटू वी, वी ऊपर चला जाएगा तो i इज इक्वल टू हो जाएगा e v अपॉन टू पाई आर। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगा रहा है, हमने मान ला इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है, आई की वैल्यू आप लोगों ने पीछे निकाली, ई वी अपॉन टू पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, तो m इज इक्वल टू हो गया ई वी आर अपॉन
टू। अब जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, वृत्ति गति कर रहा है, तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा? आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा होगा कोणीय संवेग जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू मेगा होता है, है ना। संवेग सर्कुलर का सिद्धांत भी पढ़ा था, ये कोणीय संवेग है। अच्छा आई क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण है, एम इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है। ओमेगा हमारा क्या है, कोणीय वेग, तो वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, यहाँ से ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया, अब आर से आर कट गया, जे इज इक्वल टू हो गया एम वी आर। और जिस कोणीय संवेग की दिशा होती है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, तो इसके लंबवत क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक। अब हमने क्या किया, इस एम का चुंबकीय आघूर्ण का और कोणीय संवेग का रेशियो लिया, तो हमने क्या किया, इसको इसमें डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो एम अपॉन जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी आर अपॉन टू इंटू इसका डिवाइड एम वी आर, ठीक। वी से वी कट गया, आर से आर कट गया, तो एम अपॉन जे इज इक्वल टू आ गया ई अपॉन टू एम, जो कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना। तो किसी जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो ये जो हमारा हमको इस तरीके से कॉन्स्टेंट वैल्यू इन दोनों का रेशियो हमको कॉन्स्टेंट मिलता है, ठीक। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये जाएगा एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जे इधर आ जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है तो इस पर वैक्टर नहीं आएगा, जे वैक्टर। अब यह माइनस साइन क्यों लगाया, यहाँ जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कोणीय संवेग के विपरीत हो। अभी आप लोगों ने देखा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ऊपर की ओर थी, इसके विपरीत यानी कि नीचे की ओर होगी। इसलिए इस पिक्चर में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो इसमें मैंने चुंबकीय आघूर्ण कोणीय संवेग की दिशा को ऊपर दिखाया है और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को उसकी विपरीत दिशा में यानी कि नीचे की ओर दिखाया है, ठीक है। अब इसके बाद तो यहाँ से ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया कि एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई अपॉन टू एम जे वेक्टर, ठीक। अब जैसे सपोज ये है इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो आप दाएं हाथ का नियम लगाएं, दाएं हाथ का नियम जब लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि हमारी कैसे होगी, ऐसे होगी, हमने उंगलियों को फैलाया और इनको फिर हमने करंट की डायरेक्शन में मोड़ा, तो अंगूठा मेरा ऊपर की ओर आ रहा है, इसका मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी वो कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। जब चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की ओर है, इसका मतलब ये हुआ कि कोणीय संवेग क्या होगा, नीचे की ओर डायरेक्शन में होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज गति करता है, तो सॉरी ये जो एंटी इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमें डायरेक्शन उल्टी लेनी पड़ेगी, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत बता दिया। इलेक्ट्रॉन है लेकिन करंट की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि क्लॉकवाइज हो जाएगी। जब क्लॉकवाइज लोगे तो हम हाथ को इस तरीके से रखेंगे, दाएं हाथ की हथेली है, मैंने इसको करंट की डायरेक्शन में फैलाया यानी कि उल्टा मोड़ना है, तो उल्टा इस तरीके से मुड़ेगा अंगूठा, देखो आप लोग बच्चों मेरा नीचे की ओर जा रहा है ना। जब नीचे की ओर जा रहा है, तो जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी वो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी, और जो कोणीय संवेग होगा वो ऊपर की ओर होगा, क्योंकि इसकी विपरीत दिशा में होता है, ठीक। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ली जाती है, या फिर इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में। थोड़ा सा गलत हो गया था, मैंने आपको थोड़ा सा गलत एक्सप्रेशन हो गया, तो यहाँ हम जो करंट की डायरेक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक। तो जब हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को जब इस तरीके से मोड़ेंगे, तो अंगूठा हमारा नीचे अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल डायपोल के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी एंड ऑन और ब्रॉडन पोजीशन में अक्षीय निरक्षीय में, इसी तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे। तो हमने मान लिया एक चुंबक है, इसका साउथ और नॉर्थ पोल है, इसका मिडिल पॉइंट है, इसके मिडिल पॉइंट से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली आर है, ये पूरी दूरी टू एल है, तो नॉर्थ पोल से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी। अब देखो बच्चों, ये पूरी दूरी आर है और ये दूरी एल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची, आर माइनस एल। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस एल। ये सेम वही चीज़ है जो आप लोगों ने पीछे
इलेक्ट्रिसिटी वाले लेसन में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेसन में, ठीक। तो नॉर्थ पोल के कारण जो पी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वन इज इक्वल टू मी जीरो अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। जैसे कि वहाँ पर था, वहाँ पर क्या था, ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता था सेम वही चीज़ है। वहाँ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ म्यू जीरो अपॉन फोर पाई होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, विद्युत ध्रुव है, उसमें क्यू आवेश रखे गए हैं, यहाँ पोल स्ट्रेंथ एम थी, दूरी आर है, तो यहाँ आर की जगह आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। तो इसी तरीके से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। माइनस के लिए क्या, क्योंकि साउथ का माइनस होता है तो अपोजिट हो जाएगी, बी टू वैक्टर हो जाएगा, ठीक। तो एस पोल के कारण पी पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी टू होगा। इस बी टू का मान किसके बराबर होगा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम अपॉन इसकी साउथ की पी से दूरी, और यहाँ से पी तक की दूरी कितनी, आर प्लस एल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, देखो बच्चों भी आप लोगों ने यहाँ देखा कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। बी वन इस डायरेक्शन में है साउथ से नॉर्थ की ओर, और बी टू नॉर्थ से साउथ की ओर है। तो नेट इस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, माइनस कर देंगे, हो जाएगा हमारा बी वन माइनस बी टू, ठीक। वैल्यूज़ को रखिए, जैसे कि आप लोगों ने उसमें सॉल्व किया, वैल्यूज़ को रखिए, म्यू जीरो अपॉइंट फोर पाई इंटू एम कॉमन आ गया, वन अपॉइंट आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हमने फिर एलसीएम ले लिया यहाँ पर, जगह आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, जब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ लिख दिया माइनस। फिर इसका इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, उसको यहाँ लिख दिया। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला, लेकिन ये बाहर माइनस साइन है तो साइन बदल गया, ठीक। अब जब साइन बदल जाएंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया और l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, क्या बचा, 2rl और 2rl, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2rl है, तो प्लस प्लस 4rl हो गया हमारा। तो हमारे पास क्या बचा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम इंटू फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, b इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू एम फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो चुंबकीय आघूर्णता कैपिटल M, ये स्मॉल m है, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ मैंने स्मॉल m लिखा है, ये पोल स्ट्रेंथ है ना, ये कैपिटल M है, ये चुंबकीय आघूर्ण है। तो स्मॉल m किसके बराबर होता है, m इंटू टू एल के बराबर होता है। तुमने यहाँ से m लिया और यहाँ से 2l लिया, यहाँ क्या रह जाएगा, चार में से दो आपने यहाँ ले लिया, दो रह गए, दो दूनी चार और r बचा, इसको अलग लिख लिया। अब इसमें क्या है, r का मान l से बहुत बड़ा है, तुमने l स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक। अब r की पावर फोर हो गया, इस r से हमारा r कट गया, हमारा क्या आ गया, बी जी इक्वल टू मी जीरो अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन आर क्यू। ये सेम वही फॉर्मूला है बच्चों, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फॉर्मूला था, ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यू हुआ करता था, है ना। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट हम म्यू जीरो अपॉन फोर पाई चुंबकीय क्षेत्र में लेते हैं वो आ गया, टू की जगह टू आ गया, ये आपका पी यहाँ पर क्या है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, यहाँ ये कैपिटल एम है, ये चुंबकीय आघूर्ण हो गया, आर क्यूब की जगह आर क्यूब, सेम चीज़ है, सेम सिमिलैरिटी है ना। तो ये हमारा हो गया अक्षीय स्थिति में। अब निरक्षी में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, निरक्षी के मतलब इन दोनों के मिडिल पॉइंट से अगर हम एक अक्ष खींचते हैं तो उसके उसके किसी भी बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमने माना इसकी मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर ये पॉइंट पी है, थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ क्लियर बना देते, तो ये हमारा मिडिल पॉइंट है इसका साउथ का, ये नॉर्थ पोल है, इससे हमने माना आर दूरी पर ये बिंदु पी है, इस बिंदु पर मुझे क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब मुझे यहाँ निकालना है, अब देखो नॉर्थ पोल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन तो ये हो गई बी वन, सेम वही डायरेक्शन, सेम वही चीज़ है जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है। और साउथ पोल के कारण क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी होगी, तो ये क्योंकि नेगेटिव पोल है अपोजिट होता है, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी से एस की ओर होगी। और जो नॉर्थ के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी से एन की ओर होगी, सॉरी एन से पी की ओर होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये बी वन डायरेक्शन है।
और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी से एस क्यू यानी कि बी टू डायरेक्शन होगी। ठीक, अब बच्चों देखो ये एंगल हमने मान लिया थीटा है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों, जब दो पैरेलल लाइन होती है ये एंगल होता है इस तरीके से, तो ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि कैसे कोण होते हैं, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो ये एंगल बराबर ये थीटा हो गया। तो अब हमने क्या किया, इस बी वन के कंपोनेंट्स किए, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। एक कंपोनेंट क्या है, एंगल के साथ वाला, तो बी वन कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वन साइन थीटा। इसी प्रकार से ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, एकांतर कोण है। कैसे, ये इस तरीके से आपकी ये लाइन है, आपने ये काटा है, सॉरी इस डायग्राम में यहाँ बना देती हूँ, ये हमारी पैरेलल लाइंस है ना, हमने इसको इस तरीके से काटा है यहाँ पर, तो ये एंगल आपको थीटा दिया गया है। जब ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, सेम चीज़ है। देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, हमारे एकांतर कोण है। तो अब हमने क्या किया, इस बी टू के कंपोनेंट की, तो एंगल के साथ वाला बी टू कॉस थीटा हो गया और ये हो गया हमारा बी टू साइन थीटा। अब बच्चों ये देखो, इस पी बिंदु पर जो साइन वाले कंपोनेंट्स हैं इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स हमारे जुड़ जाएंगे, ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वन कॉस थीटा प्लस बी टू कॉस थीटा। अब बी वन और बी टू की हम वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर पी एन इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आर है और ये क्या है, एल है। तो जो पी एन है, अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये क्या जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ये जो पी एस है ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उस फॉर्म में। तो ये जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब बी वन और बी टू की वैल्यू निकालते हैं। तो बी वन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, भाई फॉर्मूला फिर से लगाया जाएगा, ये हो जाएगा म्यू जीरो पॉइंट फोर फाइव इंटू एम। जब नॉर्थ पोल के लिए लोगे तो नॉर्थ से पी तक की दूरी पी एन हो जाएगी, तो पी एन का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, और पी एन की वैल्यू भी आप लोगों ने निकाली, अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, इसी प्रकार जब साउथ पोल से निकालोगे तो साउथ से पी तक की दूरी यानी कि पी एस लिखोगे, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई एम अपॉन पी एस का स्क्वायर। पी एस की वैल्यू हमारी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ रख दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बी वन और बी टू इन दोनों की वैल्यूज तो सेम है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इस पर आप लोग बैटर मत लगाइएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी सेम आ रही है लेकिन डायरेक्शन इनकी अलग अलग थी। हमने नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या बताया था, बी वन कॉस थीटा प्लस बी टू कॉस थीटा, बी वन बी टू की वैल्यू को यहाँ रख दिया, हो जाएगा म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉमन बाहर निकाल लोगे तो यहाँ से बचेगा कॉस थीटा और यहाँ से बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा टू कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ हम कॉस थीटा की वैल्यू को रखेंगे, इसमें इसमें अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, ये एंगल मेरा थीटा है तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार एल है, कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने बताया है यहाँ पर ये जो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, मैंने डायरेक्ट रख दिया है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो टू था टू एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एम इंटू टू एल को एक साथ ले लो, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और ये वन बाई टू है, बेस सेम होने से पावर जुड़ जाएगी, यह हमारी पावर क्या है वन, तो वन प्लस वन बाई टू ये क्या हो जाएगा थ्री बाई टू, और ये एम इंटू टू एल क्या हो जाएगा कैपिटल एम। ठीक है, अब चूंकि आर का मान एल से बहुत बड़ा है तो हम यहाँ एल को नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये एल स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, मेरे पास क्या रह जाएगा आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, इससे ये कट गया। तो फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, बी इज इक्वल टू बी जीरो पॉइंट फोर फाइव एम अपॉन आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों ने बच्चों क्या निकाला था, ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू, ये निकाला था। देखो दोनों सिमिलर है, हम चुंबकीय क्षेत्र में जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारा ये आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, ये हमारी क्या है यहाँ पर, ये पी अपॉन आर क्यू, सॉरी क्यू नहीं पी अपॉन आर क्यू, ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण है, ये हमारा विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, आर क्यू सेम है, सेम वही फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिलता है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है, तो अगर आप ये भूल भी जाते तो इससे आप इसको बना सकते हैं।